कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो ऐसे में विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष पर स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का महत्व अवश्य बताया जाएगा, ताकि बच्चे अपने आसपास के लोगों में भी शिक्षा के प्रति अलख जगा सकें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के प्रधानाचार्य पारसराम सैनी ने बताया कि स्कूल के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा और इसी उपलक्ष में अन्य कार्यक्रम भी ऑनलाइन ही आयोजित किए जाएंगे। राम सैनी प्रधानाचार्य राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी से बोल रहा हूँ। हमारे विद्यालय में आज विश्व साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये वर्चुअल फॉर्म में मनाया जा रहा है। अन्यथा प्रतिवर्ष हम क्या करते थे कि जब स्कूल खुले होते थे तो हाउस वाइज हम बच्चों से कंपटीशन करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंच सके कि शिक्षा का क्या महत्व है और लोगों को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, साक्षर होना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हम रैली वगैरह भी निकालते थे, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ विपरीत हैं। फिर भी हम ऑनलाइन माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से बच्चों को अवश्य संदेश दे रहे हैं कि आपने अपने लोकेलिटी में, अपने आसपास, अपने माँ बाप के माध्यम से या किसी और माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाना है कि साक्षर होना अत्यंत अनिवार्य है। और इस दिवस की शुरुआत 1966 में की गई थी और सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने इसको शुरू किया था और उसके पश्चात हर साल इसको मनाया जा रहा है। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि जनमानस जितना जागरूक होगा, जितना शिक्षित होगा, उतना ही वो अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगा और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो अब तक के अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता से हमें गरीबी मिटाने में, देश का विकास करने में, जनसंख्या नियंत्रण में और उसके साथ ही साथ लिंग समानता में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा योगदान इस दिवस के माध्यम से हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, खासकर हमारा जो स्लम एरिया के बच्चे हैं या माइग्रेटेड लेबर के बच्चे हैं, वो कोई भी अशिक्षित ना रहे। और मैं टीचर वर्ग से भी अपने जो स्कूल के ग्रुप्स मैंने बनाए हैं उसके माध्यम से, या जब भी उनको मौका मिले बच्चों के साथ वार्तालाप करने का, तो ये बात उनको अवश्य समझाएं कि आपका कोई भी बच्चा जो है वो तो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा आधार है जो उनके भविष्य को भी तय करता है और देश को किस दिशा में ले जाना है इसको भी तय करता है।